गाड़ी का शीशा साफ करने के लिए लोग कपड़ा यूज करते हैं, और हमारे घर पे एक नमूना रहता है जो कि ब्रश से गाड़ी साफ कर रहा है। मनु, हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। ननु देखो, बोलो, पूछी करो मम्मा को। Hey guys, व्लॉग कुछ भी नहीं है, डॉक्टरों के धक्के खा रहे हैं हम लोग, और अब भी डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं। तबीयत ठीक ही नहीं हो रही, पता नहीं कि तबीयत ने सोच लिया कि मैं ठीक ही नहीं होऊंगी, ऐसे कुछ कसम वसम खा लिया लग रहा है है ना मोनू? ऐसा ही कुछ लग रहा है ना, पता नहीं कब ठीक होगी। थोड़ा सा ठीक फील करती हूँ, फिर दोबारा से गड़बड़ लगने लगती है। अब बज रहे हैं 6:30 शाम के, और हम जा रहे हैं नोएडा डॉक्टर के यहाँ पर, और बीच में दिखा कर आई थी, मेडिसिन दी, उनसे कुछ ज्यादा आराम नहीं लगा, फिर अपॉइंटमेंट लिए, फिर वापस जा रही हूँ। कहाँ चले गए वो? आ गए है ना, आप कहाँ घुस रहे हो? सॉरी, मुझे क्यों बोल रहे हो सॉरी? गाड़ी को बोलो बेचारे को कहाँ घुसा देते। मेरी तबीयत खराब थी। तबीयत खराब है ना, खांसी का असर दिमाग पे हो रहा है ना मनु? तो यही है ना? हाँ यही है सर, देख लेना कभी ये भी ना हो। अब हम जा रहे हैं गाड़ी में भरवाने पेट्रोल, फिर हम अपनी गाड़ी दिल्ली आएंगे सीधा नोएडा के लिए। अंधेरा हो रहा है बिल्कुल, देखो पेट्रोल वालों ने लाइटिंग भी नहीं लगा रखी है ना, बहुत कंजूस है ये तो। मैं कब से पुश कर रही हूँ, वो बंदी नहीं आ रहा। नॉट फैन। सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? पहले तो कमेंट करके बताएं कैसे हैं आप सब लोग। पहले भी तो कोई कमेंट करता ही नहीं है यार। एक यस तो का पेशेंट मेरे साथ ही रहता है। ये मैं काट दूंगी पार्ट है ना, खासते हुए बंदे का। मोनू ध्यान से चलाओ, मारे मारोगे क्या इस बेचारे को? अपने घर जाना है उसे, तुम अपने वेला ना हो। जैसे इंस्टाग्राम पे एक रील वायरल हो रही है, क्या करते हो? फोन चलाओ, मैं तुम्हारे तरफ वेले थोड़ी है। ओए हम फोन चलाते हैं वेले, या काम धाम कुछ है नहीं, आजकल दवाइयों का नशा करके पड़े रहते हैं। लोग नशा करते हैं दारू का, और पता नहीं फलाना ढिमकाना है ना, हम नशा करते दवाइयों का है वो ना, हमारी दवाइयों में इतना नशा है, हमें और किसी नशे की जरूरत ही नहीं है। क्या हो रहा है? गाड़ी का शीशा साफ करने के लिए लोग कपड़ा यूज करते हैं, और हमारे घर पे एक नमूना रहता है जो कि ब्रश से गाड़ी साफ कर रहा है। मोनू, पेंट हो रहा है? कब ये कहाँ मिला? पीछे रोड पे पड़ा था डिग्गी में। सो हम डॉक्टर के आ गए हैं, और एक घंटे का टाइम लगेगा, बहुत बड़ी वेटिंग लिस्ट है। सो हम गाड़ी में बाहर बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हम? सेक्टर 26 नोएडा। मनहूस सेक्टर लगने लग गया मुझे। अरे मुझे रोज बुला लेता है यार, हर हफ्ते। बताओ, हम डॉक्टर की क्लिनिक के बाहर वेट कर रहे हैं, क्योंकि क्लिनिक में तो इतनी भीड़ है, काफी भीड़ है। एक घंटे का टाइम दिया उन्होंने, एक घंटे में हमारा नंबर आएगा, फिर हम अंदर जाएंगे। ये डॉक्टर राजीव मोटिया नहीं मुझे बर्बाद कर देगा।
प्लॉट बिकवा देगा ये मेरा। मेरे पापा ने मेरे नाम एक प्लॉट किया था, वो प्लॉट बिकवा देगा ये मेरा। सच में यार इतने दिन से मैं आ रही हूँ, कुछ भी आराम नहीं लग रहा मेरे को। सर दर्द में ना मैं बड़ी परेशान। फाइनली मैंने डिसाइड किया है एम्स में चली जाऊँ, कम से कम फ्री में इलाज तो हो जाएगा और ढंग का इलाज होगा एट लास्ट। पर थोड़ा यार ये एम्स में धक्के खाने पड़ते हैं, बहुत दूर भी बहुत है यार। सर का दर्द बंद नहीं होता तब तक दवाइयाँ खाती हूँ, आई फील बेटर, देन दवाइयाँ बंद करते ही मेरे को फिर हेडेक होने लगता है। भाई ये डिप्रेशन तो मुझे लेके जाएगा साथ में, है मोनू? डिप्रेशन ही है या क्या बीमारी हो गई मुझे? रिपोर्ट सब नॉर्मल आ रही हैं, जो भी टेस्ट कराए हैं कोई भयंकर बीमारी नहीं आ रही। वह खोपरे का दर्द नहीं जाता मेरे का, ये है ना सर दर्द, साथ में लेके घूमती हूँ मैं। सकल दिखा अपनी गाड़ी साफ कर रहा है पेंट ब्रश से, और ब्रश उठाया रोड से, टोपे से कर लेता है ना, ये टोपा उतार के गाड़ी साफ, गाड़ी का शीशा साफ करने के लिए किसी का पेंट ब्रश उठा ला है, चोर कहीं का। आज चल घूम आते हैं थोड़ा, है चल गाड़ी फिर जैसे दिखे मुझे। क्यों गाड़ी है नहीं जगह, किसी की तो हटेगी ना पीछे से, किसी की मत करो। ओ गॉड, मैं मुटियानी का सर फोड़ दूंगी इतना दर्द है मेरे सर। मैं ये पूछूंगी अरे भाई बताओ तुम जाते क्या हो, मैं रोज मैं तुम्हारे घर के बगल में एक फ्लैट व्लैट दिलवा दो, मेरे को आना नहीं पड़ेगा इतनी दूर से। अभी लगता है 26 सेक्टर का ना हमारा घर जैसा सेक्टर हो गया इनकी क्लिनिक पर, और वो भी 26 में ही है ना, वो अलग थोड़ा सा ही फर्क है ना, ज्यादा नहीं है, थोड़ा डिफरेंस है, ज्यादा वो ना 29 में शायद है ना, उधर ही है 40 में है शायद। सो फाइनली डॉक्टर से मीटिंग इज डन एंड गुड न्यूज इज दैट कि आई एम सो हैप्पी बिकॉज लास्ट टाइम जब मैं डॉक्टर से मिली थी लास्ट 2-3 विजिट पहले, तो दे सेड कि मेरे को थोड़ा डिप्रेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा डिप्रेशन है, सो हो जाएगा ठीक। तो 1.5-2 महीना हो गया था इन बातों को था, उस टाइम पे थोड़ी एंजाइटीज इशू हो रहे थे, एंगर इशूज हो रहा था। तो आज मैंने दिखाया तो ही सेड कि डिप्रेशन अभी नहीं है, डिप्रेशन टोटली ठीक हो गया है, थोड़ा मांसपेशियों का क्या था जकड़न, मांसपेशियों में थोड़ा जकड़न ना, इसके से मुझे मेरे को हेडेक है। तो फाइनली एक डिप्रेशन का बहुत बुरा नाम है बीमारी का, मुझे नहीं पता डिप्रेशन कैसी बीमारी है क्या है, लेकिन एक नाम सुनकर ना बंदे को खुद भी टेंशन अगर ना हो ना तो डिप्रेशन हो जाए कि भाई मुझे डिप्रेशन हो गया। तो ही सेड कि डिप्रेशन वाला 2 महीने पहले था, डिप्रेशन स्टार्ट हुआ था एंड अभी नहीं है, तो ग्रीन चिट मिल गई है, डिप्रेशन तो बिल्कुल नहीं है। और मेरे को खुद भी अच्छा फील हो रहा था कुछ दिन से, बीच में मैं थोड़ी मायूस लो फील करती थी। काफी सिम्टम्स होते हैं डिप्रेशन के जो जिनसे मैं जो मैंने फेस किए हैं, मोनू ने भी फेस किए हैं मेरे साथ, सो वो चीजें ठीक हो गई हैं। पता नहीं क्यों हुआ था, मुझे खुद समझ नहीं आया कि मुझे डिप्रेशन क्यों हो गया, ऐसी कोई बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम तो थी नहीं लाइफ में, कुछ नहीं, कुछ नहीं खाना चल रहे हैं, बट हो गया डिप्रेशन, ऐसे ही हो जाता है। इसका कोई ना सॉलिड वैलिड रीजन नहीं होता, डॉक्टर कह रहे हैं कि मैंने पूछा कि क्यों हुआ ऐसा, तो कोई बहुत बड़े पूछा था कि मुझे डिप्रेशन क्यों हो गया ऐसे, मतलब क्यों प्रॉब्लम हुई मेरे को डिप्रेशन की। तो डॉक्टर ने यही बोला, डॉक्टर राजीव मोटियानी काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं, आप सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पर। तो उन्होंने यही बताया कि डिप्रेशन का कोई सॉलिड रीजन नहीं होता, डिप्रेशन का कोई सॉलिड रीजन नहीं होता कि भाई इस वजह से हुआ है, काफ़ी रीजन्स होते हैं किसी को किस वजह से होता है, किसी को किस वजह से होता है। सो अच्छा लग रहा है क्योंकि जब डॉक्टर ने बोला था मेरे को डिप्रेशन है, उसकी पिल्स चली थी डिप्रेशन की, तो मुझको बहुत उन टाइम पे मैं बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि डिप्रेशन हो जाए तो निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, इससे बाहर बढ़ता है, कईयों को बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो डॉक्टर कह रहा था आज तो तुम बहुत खुश लग रही हो, सो मैंने कहा हाँ, मतलब लास्ट टाइम जब कब मैंने विजिट किया था आपसे, दो बार से पहले की 4-5 बार मैं आ चुकी हूँ अभी जल्दी में ही, 2-3 महीने के अंदर ही। तो जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी तो उन दिनों मैं थोड़ी एक फेस पे एक अलग परेशानी थी, एंगर इशूज थे मेरे को, बहुत गुस्सा आता था उन दिनों, मैं एंजाइटी होती थी मेरे को, बहुत ज़्यादा घबराहट होती थी, काफ़ी प्रॉब्लम्स थी जो मैंने बताई थी, और फिर लो फील करती थी। तो डॉक्टर को तो पता ही होता है यार, इन लोग ये लोग तो बंदे की बॉडी लैंग्वेज से बता देते हैं कि तुम्हें डिप्रेशन है या तुम्हें नहीं है। सो
मैं ठीक हूँ अभी थोड़ा। अब उन्होंने मेरी पिल्स भी कम कर दी हैं, मैं सोती रहती थी सारा टाइम, बिकॉज जो ये डिप्रेशन की पिल्स होती है ना, इनमें ये वो भी देते हैं ना, स्लिपिंग पिल्स होते हैं ना मोनू, ज्यादा क्वांटिटी में स्लिपिंग पिल्स होते हैं, बिकॉज जब आप रेस्ट करोगे मेंटली आपका ब्रेन ऐसे रिलैक्स होगा तभी जाके डिप्रेशन से आप रिकवर हो पाते हैं, ताकि आप ज्यादा लोड ना ले ब्रेन पर। तो वो उन्होंने मेडिसिन बंद कर दी है, मेरी स्लिपिंग पिल्स मेरी बंद हो गई है। आई एम सो हैप्पी बिकॉज मैं बहुत दुखी थी सो कर, मैं कितने सारे इंपॉर्टेंट काम नहीं कर पा रही थी, मैं व्लॉगिंग भी बंद हो गई थी मेरी फाइनली। पुराने व्लॉग्स पड़े थे वही मैंने एडिट करके डाले, एक महीने से कोई व्लॉग वगैरह भी नहीं बनाया था। तो मतलब लाइफ बहुत ही ना, मतलब बहुत अनहेल्दी हो गई थी, सोते रहना, दवाइयाँ खा ली, सोते रहना, तो मैं बहुत दुखी थी इन चीज़ों से। सो बस एक ही मेडिसिन चलेगी मेरी, जो कि जकड़न है मांसपेशियों में, वो हो जाता है कई बारी ना, डिप्रेशन की वजह से था या पता नहीं क्यों था, पर वो पेन के लिए है और वो जकड़न जो है उसके लिए मेडिसिन चलेंगी। एक महीने तक है वो, उसके बाद एक महीने बाद मुझे फिर से मिलना है। तो अच्छा लग रहा है, मैं खुश हूँ एंड आई एम बैक। फिर से अब मैं अपने व्लॉग्स लेकर आऊँगी, अच्छे अच्छे व्लॉग्स लाऊंगी एंड अच्छे से रहना है, खुश रहना है। डिप्रेशन अगर हुआ भी है तो मैं बाहर निकल गई हूँ डिप्रेशन से, ठीक है यार, हो जाता है, दिमाग है चल गया होगा कुछ दिमाग के अंदर, सो ठीक है, होता रहता है। अगर किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है तो डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, लाइफ में ये सब चीज़ें आती जाती रहती हैं और इनका सबका इलाज होता है, सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो अब हम घर जा रहे हैं और कितने बज गए हैं मोनू, 8:30 बज गए हैं, क्योंकि हमारी जो अपॉइंटमेंट थी 7:30 की थी, तो हम घर से 6:30 के आसपास निकले थे, तो यार थोड़ा रश ज़्यादा होता है, बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, तो फिर भी जल्दी नंबर आ जाता है क्लिनिक पे। अगर हॉस्पिटल की बात करें तो बहुत टाइम लगता है हॉस्पिटल में, तो बस अब घर पहुंचने में जो भी लगेगा आधा घंटा, 9:30 तक घर पहुंच जाएंगे एंड बस ठीक है। तो इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे बंद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, ये तो था बस ऐसे ही, अच्छे से ब्लॉग में मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।